सिव टेक्स कैम लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है बट उस हिसाब से ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है वेल well, जानते हैं इस कंपनी के बारे में इसके आने वाले आईपीओ के बारे में कहीं मत जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में सेव टेक्स कैम लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है 2005 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल्स की ट्रेडिंग का काम करती है बेसिकली ये कंपनी जो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन के केमिकल्स होते हैं उनको इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट करती है एंड इंडिया में बेच देती है थोड़ा सा अमाउंट ये इंडिया के बाहर भी बेचती है आई I मीन mean, अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो मोर देन नाइनटी रेवेन्यू वो इस कंपनी की डोमेस्टिक सेल से आती है एंड लेस देन पॉइंट रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है तो बेसिकली इस कंपनी का काम क्या हुआ इंडिया के बाहर से केमिकल्स इंपोर्ट करना एंड देन इंडिया के अंदर उनको बेच देना तो यहां पर अगर हम इस को और में करती है. जो भी कंपनियां केमिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती, केमिकल सेक्टर में करती उन के कुछ फीचर्स होते हैं उनकी रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ होता है वो हमें यहां भी दिख रहा है वो कंपनियां काफी जबरदस्त मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है एंड जो ये इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनके प्रोडक्ट्स को जो दूसरे सेक्टर की कंपनियां होती हैं, वो एज एन इनपुट यूज करती हैं। इस कंपनी के केस में भी ऐसा ही है आई मीन जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती हैं एंड आज की डेट में ये कंपनी अप्रोक्सिमेटली थर्टी नाइन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है एंड मोर देन सिक्स हंड्रेड फिफ्टी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं एंड जो ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं जैसे कि पेंट एंड कोटिंग ऐसे ही वो प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं स्पेशलिटी पॉलीमर से बिलोंग करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर से इस कंपनी के कुछ क्लाइंट्स आते हैं एंड कुछ क्लाइंट्स आते हैं इस कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से भी सो so बेसिकली ये कंपनी ये कंपनी केमिकल्स के ट्रेडिंग बिजनेस में है इंडिया के बाहर से केमिकल्स इंपोर्ट करती है एंड इंडिया में बेच देती है आज की डेट में इस कंपनी के अप्रोक्सिमेटली 39 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मोर देन 650 क्लाइंट्स हैं एंड अगर आप इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पर मिल जाएंगे एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की रेवेन्यू है अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप टेन कस्टमर्स से आती है सो so बेसिकली ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 425 करोड़ रुपीज का अगले साल ये बढ़कर 600 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच गया है ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 865 करोड़ रुपीस की अगले साल ये बढ़कर 1118 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 1536 करोड़ रुपीस के आसपास है आई मीन एसेट बेस में जबरदस्त ग्रोथ है रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं मार्च टू में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था थर्टीन करोड़ रुपीज का अगले साल ये बढ़कर 16 करोड़ को क्रॉस कर गया है एंड मार्च टू से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है बट जो रियलाइजेशन है ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है 2022 में ये था. इस टाइम इस कंपनी ने जनरेट किया था अगले साल ड्रास्ट रिडक्शन आया है ये 162 करोड़ सिक्स से ज्यादा नेगेटिव हो गया है बट मार्च 2024 में फिर से एक रिकवरी देखने को मिली है एंड ये 58 करोड़ रुपइस को क्रॉस कर गया है पॉजिटिव सेंस में एंड अगर हम इस कंपनी के बुक्स देखते हैं तो यहां पर 297 करोड़ रुपइस की बॉरोइंग है एंड अगर हम इस कंपनी की बॉरोइंग को और डिटेल में देखें तो इस कंपनी की ऑलमोस्ट सारी की सारी बॉरोइंग ये 9% से 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है एंड नाउ अब आप इस कंपनी की बॉरोइंग को

उतनी तो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट होगी ना एंड ये कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस में है बी टू बी सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है काफी बड़ी-बड़ी कंपनियां -बड़ी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं तो ये कंपनी बहुत अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होगी ये तो आप भूल जाओ एंड ये हमें दिख रहा है आई I मीन mean, अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिंस देखें तो ये लेस देन 4% के है आई I मीन mean, ये कंपनी 3.90% के एबिटा मार्जिंस पर ऑपरेट कर रही है 1.96% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है 19.08% की एंड 26.88% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है सो बेसिकली so ये एक ऐसी कंपनी है जिसका एसेट बेस बहुत बड़ा है रेवेन्यू बेस बहुत बड़ा है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ एस सेगमेंट में लेकर आ रही है खैर इसके लिए इस कंपनी के अपने खुद के पर्सनल रीजंस होंगे बट ऐसा नॉर्मली हमें कम ही देखने को मिलता है किसी कंपनी का इतना बड़ा रेवेन्यू बेस है इतना बड़ा एसेट बेस है अच्छा खासा ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है स्टिल वो कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन सेगमेंट में नहीं लेकर आ रही है वो कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है एंड ये नॉर्मली आपके और मेरे जैसे लोगों को थोड़ी सी कंसर्निंग बात लगनी चाहिए इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज वन हंड्रेड वन पॉइंट थर्टी फाइव करोड़ रुपीज का पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है एंड वन हंड्रेड फिफ्टी एट रुपीज से वन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स रुपीज का प्राइस बैंड है एट हंड्रेड शेयर का लॉट साइज है इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज की एंड जो ये इस कंपनी का आईपीओ है एट्थ अक्टूबर को ओपन होगा टेंथ अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा एंड अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी रेज करेगी उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आई I मीन mean, इस पैसों से ये कंपनी और प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएगी एंड इनको और मार्केट में बेच पाएगी जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ेगी बिजनेस बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड जब भी सब कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा तो फिर कंपनी की बेल्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी

ये ऑलरेडी वैल्यूएशन पर आ रहे होते हैं एंड अगर market बहुत बढ़िया चल रही होती है तो इनको अच्छा subscription मिलता है अच्छी लिस्टिंग होती है एंड बाद में में इस तरह की companies में जो investors होते हैं वो एक ऊंचे रेट पर फंस जाते हैं एंड फिर वो रेट उनको सालों तक देखने को नहीं मिलता अब इस कंपनी के बारे में देखो आई मीन रेवेन्यू बेस बहुत बड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी है एसेट बेस भी काफी बड़ा है एक एसएमई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ये कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन सेगमेंट में नहीं लेकर आ रही है मे बी ऐसा भी हो सकता है दैट ये कंपनी ग्रेटर स्क्रूटनी को अवॉइड करना चाह रही हो एंड अपना आईपीओ इसी वजह से ये कंपनी एस सेगमेंट में लेकर आ रही है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू